आई एम श्योर ये कुछ फाइनलाइजिंग की स्टेज में होंगे और बहुत फास्ट काम चल रहा है। और देखिए उधर से गाड़ी आ रही है तो क्या शानदार लग रही है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको शहडोल की एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फैसिलिटी आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ, जिसकी बहुत ज़रूरत थी फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल पर्पस एंड ऑल दैट। बहुत ज़रूरत थी शहडोल को उस चीज़ की और अल्टीमेटली बहुत जल्दी मिल जाएगा। 90% लगभग काम कंप्लीट हो चुका है एंड यस वी आर इन दैट वे कि बहुत जल्दी ये फैसिलिटी स्टार्ट हो जाए और शहडोल के लोगों को निजात मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ आउटर हाईवे की बोल लीजिए या फिर बाईपास बोल लीजिए या फिर रिंग रोड बोल लीजिए कि जो ये पीछे से चलेगी। और ये रिंग रोड लगभग 8 से 10 किलोमीटर या हो सकता है उससे ज़्यादा या कम भी हो। मैं पहली बार जा रहा हूँ, जाऊँगा तब पता चलेगा। लेकिन यस ये रिंग रोड जो है वो आपको इस पॉइंट से मिलेगी। ये यहाँ पीछे किया मोटर्स का शोरूम है, उसके बाद ये इनके जस्ट सामने से ये अंदर रोड गई है और यहाँ से वो देखिए उस रोड पे हमको जाना है और आगे चल के ये रोड सीमेंट हाईवे पे मिल जाएगी। रास्ते में हमको अगल बगल मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कोटमा गांव मिलेगा, सुहागपुर जो थाना है वो भी मिलेगा और फिर आगे होते हुए हम बूढ़ी माई के आसपास निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फैसिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे रास्ते से हैवी ट्रैफिक जाएगा कुछ दिनों बाद, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। शहडोल के अंदर हैवी वाहन नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी हमारे लिए। चलिए चलते हैं आगे, चल के देखते हैं कि ये हाईवे कहाँ तक जाता है, कितना डिस्टेंस है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। ओके दोस्तों, सो एक बार और स्टार्ट करते हैं। वो जो सामने रास्ता है वो जा रहा है बुढ़ार के तरफ, ये जा रहा है शहडोल के तरफ और बस यहाँ से ऐसे आके हमको उस रास्ते पे जाना है जहाँ वो कार जा रही है। सो चलिए चलते हैं। अगर वो देख पा रहे हैं तो दूर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के आसपास से ही ये रास्ता निकलेगी। थोड़ा दूर ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा दूर तक कच्ची है, उसके बाद ये पक्की सड़क है, मेरे ख्याल से आई गई पक्की सड़क। यस हाईवे आ गया, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है मेन रोड से। अब ये पैच भी अगर जल्दी बन गया तो समझिए कि हाईवे कम्प्लीट। अरे वाह यार, ये देखिए हम आ गए और देखो मौके पे चौका तो लगता है लोगों का, यहाँ पे शायद कुछ वेयर हाउस वगैरह है या प्रॉपर्टी वगैरह है। एक ये भी कुछ बन के तैयार हो गया है, कुछ होटल सरीका लग रहा है, अरे कुछ होटल ही है, न्यू यश पैलेस। ओके होटल न्यू यश पैलेस खुल गया। बता रहे ना कि मौका देख के लोग जरूर चौका मारे। बहुत शानदार चीज़ हो रही है ये, क्योंकि पूरा शहडोल से जो हैवी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा पूरे आउटर रिंग रोड पे। रिंग रोड बोल लीजिए, ये देखिए ये प्लॉटिंग वगैरह की तैयारी वगैरह है श्योर। थोड़ा कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पैच बाकी भी है लेकिन मोस्टली हो गया है। और ये रहा मेडिकल कॉलेज, थोड़ा कुछ पक्का है, थोड़ा कुछ कच्चा है, बस ऐसा ही चल रहा है। अगेन हम थोड़ा कच्चे वाले पैच में हैं, ये बगल में बना हुआ तो है लेकिन इस पे जाना फिर बीच में पत्थर वगैरह
निकल के जाना इज अगेन अ लेंथी थिंग, इसलिए ऐसे ही चलो। ओके ओके, अब यहाँ पे रुक के आपको थोड़ा सा बताने जैसा है, यहाँ पे रुकते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ लिखा है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और हॉस्पिटल, वो बिल्डिंग दिख रही है सामने जो कि यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर है। अभी परसों ही यहाँ पे आना हुआ था और ये हमको इस रास्ते पे जाना है, ये शहडोल के तरफ है बलपुरवा और हम इधर से आ रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट और यहाँ से हम आगे चलेंगे। परसों भी मैं इस रास्ते से गया हुआ था लेकिन आज अगेन चलते हैं क्योंकि आज हमको और भी आगे जाना है। सो वंस मोर हमको इधर जाना है, इधर मेडिकल कॉलेज है और इधर से हम आए हुए हैं, लेट्स गो। ओके, सो थोड़ा सा और आगे आके मैं लगभग 1 किलोमीटर आगे आके फिर रुका मैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये देखिए आई एम श्योर ये चट्टाने या पहाड़ रही होंगी जिनको काट काट के ये रास्ता निकाला गया है। और ये सिर्फ इतना नहीं है, आगे तक है और आगे वो देखिए शानदार, मीन्स आई एम श्योर ये। ओके, सो हम थोड़ा ही आगे आए और अगेन हमको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा अपना रास्ता, इसलिए डाइवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बनेगा तो डेफिनेटली फिर ऊपर से ही हम जाएंगे, लेकिन यहाँ से अभी हमको नीचे से जाना पड़ेगा। सो नॉट एन इशू, नीचे से भी अच्छा खासा रास्ता बना हुआ है, गाड़ियाँ जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं और अगेन यहाँ से ऊपर, और ये ब्रिज तैयार हो जाएगा तो सारा ट्रैफिक इसके ऊपर से जाएगा। एंड यस, यहाँ पे पूरा काम चलता हुआ और बस इसी स्पीड से ही हुआ है। हैवी व्हीकल्स, हैवी मशीनरी लगती हैं तो ही इतने बड़े बड़े काम एक डेफिनेट टाइम में पूरा हो पाते हैं। गुड वन। अब मैं आपको बता दूं कि हम उस रास्ते से आ रहे हैं, लगभग मेन उधर हाईवे से 5 से 6 किलोमीटर इधर आ गए हैं, 5 किलोमीटर लगभग। अब एक और इंटरसेक्शन है जहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप 2-3 दिन पहले वाला वीडियो देखे हो जो मैं पॉटरी वर्कशॉप का बनाया था, वो इधर जाके थोड़ा सा आगे ही है। उसके बाद आगे इधर एक गांव है कोटमा और ये इधर मेन गांव कोटमा गांव है और यहीं से ये इंटरसेक्शन बना हुआ है। अगेन यहाँ पे काम चल रहा है। भैया यहाँ से बूढ़ी माई कितना दूर होगा? लगभग 3 किलोमीटर है ना, 3 से 4 किलोमीटर। और सुहागपुर थाना? सुहागपुर थाना 3 किलोमीटर थाना पड़ेगा, उसके बाद 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। और ये पूरा अगर मैं हाईवे उधर बाहर से इधर बाहर तक नापू तो कितना? 8-10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर है ना। ओके, सो मैंने जैसे बताया था कि 8 से 10 किलोमीटर का पूरा हाईवे है। सो दिस इज द वन एंड द परफेक्ट वन, बहुत शानदार लग रहा है अभी ट्रेवल करके, आगे तो फिर बात ही छोड़ो। चलिए आगे चलते हैं। ताज़ा ताज़ा कंक्रीट भी हुआ है, इसलिए पूरा बोरियां बिछा के इनको गीला रखा गया है कि क्यूरिंग होती रहे, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वाटर इवैपोरेशन बहुत जल्दी होता है और सीमेंट के लिए पानी जितना ज़रूरी है जैसे अपने शरीर के लिए, तो ही सीमेंट लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये देखिए यहाँ पे क्यूरिंग की जा रही है। सब हम लोग सुहागपुर थाने के आसपास पहुंच रहे हैं और थोड़ा ऊंचाई दिख रही है यहाँ पे। ऊंची रोड इसलिए हो रही है क्योंकि सुहागपुर थाने के पास से ये जो रोड है वो ब्रिज के ऊपर से जाएगी, इसलिए काफी दूर से एलिवेशन बना के उस ब्रिज तक रोड ले जाया जाएगा और ब्रिज से हाईवे क्रॉस किया जाएगा, क्योंकि नीचे से रीवा रोड है और मेरे ख्याल से उसी ब्रिज को कवर अप करने के लिए एक और ब्रिज भी है। ये देखिए इसका भी काम चल रहा है।
ओके सो ये चालू हो गया। डेफिनेटली उसके बॉर्डर्स बनाए जा रहे हैं ब्रिज के, जो आगे चल के वो जो ब्रिज दिख रहा है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि अगेन ये काफी ऊंचा है, इसको हम खड़े होके देखेंगे। ओके दोस्तों, वन मोर इंटरसेक्शन हम यहाँ पे आ गए हैं। ये शहडोल से रोड आ रही है और इधर जो जा रही है वो रीवा की तरफ जा रही है और वो रहा थाना। यहाँ पे ही पास में ITI है, ये टावर है और इसके बगल से इंटरसेक्शन आ रहा है। वहाँ से वो रोड ऐसे ऊंची होके आएगी। देखिए सब ये काम चल रहा है एंड ये मेजर ब्रिज, शायद मेजर पिलर तैयार हो रहे होंगे जो भी है, और ये इसके लेवल से बन जाएगी रोड। और क्योंकि ये देखिए ये ब्रिज के नीचे से ऑलरेडी ट्रैफिक चालू है, तो डेफिनेटली ये पास आउट होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उधर से आने वाला है ट्रैफिक जो है यहाँ पे बेमतलब रुके नहीं, इसलिए उसको ऊपर ही ऊपर यहाँ से उस पॉइंट पे नीचे उतार देने का है और वहाँ से आगे बूढ़ी माई के पास निकाल देना है। हम लगभग 50% कवर कर चुके हैं, 50 या 60% आगे चलते हैं। सो सूरज बिल्कुल डाउन आते हुए और ये देखिए ये पावर लाइन्स जा रही हैं, इसी के बगल से, इसी के पैरेलल से रोड है। शायद ये वाला पैच अभी बना नहीं है, आगे तो दिख रहा है सीमेंटेड लेकिन अभी फिलहाल ये बना नहीं है। और आई एम श्योर ये हम लगभग बूढ़ी माई के पास पहुंच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। नदी आएगी, क्रॉसिंग होगी, बस उसके बाद हम पहुंच चुके होंगे वहाँ जो सांची डेयरी है उसके बगल से ही निकलेंगे। चलिए ये जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों आप, रखा हुआ ये एक्चुअली प्री इंस्टॉल्ड रहता है और इसको बस उठा के रखा जाता है ब्रिज के ऊपर। शायद इस वाले ब्रिज के ऊपर उठा के रखा जाएगा, सिर्फ उठा के रख दिया जाता है क्योंकि ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। यस, इसी पे ही रखा जाएगा। ये मेरे ख्याल से इस पूरे रास्ते का सबसे बड़ा ब्रिज है। बस वो जो इंस्टॉल्ड रखे हुए हैं बड़े बड़े बोल्डर्स, वो इनके ऊपर उठा के रख दिए जाएंगे और बस ये है नदी जो कि ओके मेजर मेजर। डेफिनेटली ये नदी जो उधर से आ रही है बूढ़ी माई वाली नदी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो डेफिनेटली हमको मिल जाएगी। ये पाइप वगैरह के थ्रू वहाँ से फिर उधर निकाला गया है जस्ट काम करने के लिए। और वो जो सामने बोल्डर्स दिख रहे हैं वो डेफिनेटली उठा के इनके ऊपर रख दिए जाएंगे, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और फिर आगे काम चला जाएगा। बहुत बढ़िया। ये रोड उधर से हमको देखने मिल रही थी। ओके दोस्तों, सो हम पूरा ट्रेवल करते हुए वहां से आ गए हैं, लगभग एंड में हैं। यहाँ पे एक तीन रास्ता टाइप का बना हुआ है, वो एक्चुअली चला जाएगा नीचे बूढ़ी माई के तरफ। वो सामने जो टावर दिख रहा है वो रेडियो स्टेशन का टावर है। और एक्चुअल जो हाईवे जाना है ये ऐसे आके इस रास्ते से गया है। वो देखिए मार्किंग लगी होगी, वो जो बीच का पूरा एरिया है वो हट जाएगा और वहाँ से ऐसा सीधा चला जाएगा हाईवे। आगे जाके ब्रिज भी बना हुआ है, हम अभी चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ से जाने की व्यवस्था नहीं है। अभी हमको एक छोटा सा एक सर्विस रोड है, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा और वो हम डायरेक्ट हाईवे में और उसके बाद मेन जो हाईवे पुराना वाला है उस पर टच हो जाएगा ये पूरा रोड। शानदार 8 से 10 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड, बाईपास, जो भी बोल लीजिए। चलिए अब आखिरी जो पड़ाव है वहाँ पर चलते हैं। ओके सो हम जहाँ अभी थे उसके जस्ट बैक साइड आ गए। हम उसके पीछे कहीं खड़े होकर बात कर रहे थे
और ये देखिए उसके सामने वाली ये रास्ता है, वो सामने से हाईवे है और बस सामने ही अगर आप देख पा रहे हो व्हीकल्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मतलब वो मेन हाईवे है जो कटनी उमरिया पाली साइड जा रहा है और ये जो पहले की रोड है इससे हम जाएंगे और आगे चल के ये हाईवे मेन हाईवे से टच कर जाएगा। वाह, ये वाला पैच बहुत ही शानदार लग रहा है, एयर स्ट्रिप के जैसा, जैसे बगल में कोई रोड है, सर्विस रोड है और एयर स्ट्रिप है, वो सामने मंदिर दिख रही है, वो ही मंदिर है और बस उसके बगल से निकलते हुए मेन रोड पे हम सब अभी टच कर सकते हैं। ओके, सो आप वहाँ पे देख पा रहे हैं वो ट्रक जा रहा है और बस बस वहीं से आते हुए ये इस रास्ते का पहला ब्रिज है और यहाँ से हम आए हुए हैं, पीछे से वो हाईवे आ रहा है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही होंगी और ये ब्रिज से होते हुए अगेन बाईपास के लिए चले जाएंगे। हमको जाना होगा ऐसे एंड मेन हाईवे पे। ओके दोस्तों, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर जर्नी। हम ये देखिए ये मशीनें चल रही हैं और हम इस रास्ते से आए हैं और हम मेन रास्ते पे आ चुके हैं। वो पीछे रहा हाईवे जो कि शहडोल से अंदर से जैस्तम साइड से आ रहा है और ये मेन हाईवे पे आ जाएगा और ये रही पीछे पाली कटनी उमरिया के लिए रोड। अब सोचिए अंदर से इतना अंदर आके निकलने से अच्छा है ये बाहर बाहर से ही पूरी गाड़ियां आ जाएंगी। 10 किलोमीटर का हाईवे, इधर से बाहर से भी लगभग उतना ही, अंदर से लगभग उतना ही पड़ेगा, बल्कि और ज़्यादा भी पड़ सकता है, लेकिन ये बाहर से आना 8 से 10 किलोमीटर और फास्ट आना, टाइम सेविंग, एनवायरनमेंट सेविंग, एवरीथिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको ये चैनल और इसका कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।